ओके जी, हम जो चीज़ आज स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको जानने से पहले हम अपने कुछ बेसिक तीन जो उनसे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लाइट, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हमें ये पता है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट वाली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब रेडिएशंस क्या हैं? दे आर नथिंग बट वेव्स। अब यहाँ पर आपको वेव्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि वेव जो है वो क्या होती है। सपोज दिस इज़ द रेफरेंस लाइन एंड दिस इज़ अ वेव विच इज़ पासिंग थ्रू इट। वेव बेसिकली होती क्या है? इट इज़ अ मीडियम टू ट्रांसफ़र एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है, एक ज़रिया है, जिसको हम नाम देते हैं वेव्स का। साउंड भी वेव्स हैं एंड लाइट लाइट इज़ ऑल्सो रेडिएशंस एंड वेव्स। अब वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें से सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कि दो कन्जेकटिव ट्रफ्स, दीज आर द ट्रफ्स जो नीचे होती हैं, एंड दो कन्जेकटिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप अपनी मैट्रिक की फिजिक्स में क्लियरली पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, ये भी जो है आपकी किसी भी वेव की जो है वो प्रॉपर्टी होती है। ये होती क्या है जी? कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर एक पॉइंट से, अगर ये एक पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूँ ए, तो एक सेकेंड के अंदर इसमें से कितनी वेव्स जो सी हैं वो पास आउट करके गुजरेंगी, दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वेव। इसी तरह फिर एक और फैक्टर होता है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन ईच सेकंड होता है, लेकिन हम टाइम पीरियड बेसिकली होता है एक टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव टू कंप्लीट वन कंप्लीट वाइब्रेशन या रोटेशन। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट हमारे इस्तेमाल में नहीं होगा, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। तो जो जो दो चीज़ें आपके जहन में अभी क्लियर होनी चाहिए दैट इज़ वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। अब हम आते हैं अपनी वाइट लाइट की तरफ। वाइट लाइट या जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। अब जब भी आप अपनी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करेंगे, ये अगर आपकी वाइट लाइट या विजिबल लाइट है और ये एक प्रिज्म है। अब प्रिज्म आप लोगों ने अपने मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म किए होंगे जब, तो देखा होगा प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिफरेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है, लाइट को स्प्रेड कर देता है। अब होता क्या है कि जब भी जोन सी है लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास करेगी, उसके अंदर क्या होगा? रिफ्रैक्शन या बेंडिंग जिसको कह लें, ये जो है प्रोसेस अमल में आएगा, वाइट लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी। अब होगा क्या कि वो जोन सी, अब वाइट लाइट बेसिकली एक कोई कलर नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स की लाइट होती हैं और इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो लेसर द वेवलेंथ अब जिस कलर की जोन सी है वो वेवलेंथ जोन सी है वो ज़्यादा होगी,
उतनी ही वो बेंड जो है वो ज्यादा करेगी. लेसर द वेवलेंथ मोर बेंडिंग. और इसके उलट होगा कि जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी लार्जर द वेवलेंथ. लेसर इज द बेंडिंग कि वो अपने स्ट्रेट पाथ से जो बेंड करेगी वो जो है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम जो है बेंडिंग को शो करेगी. अब जो लाइट वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट के अंदर बेसिकली जो विजिबल लाइट होती है वो जब स्प्रेड कर जाती है आपके पास किसी भी प्रिज्म में से गुजर के, तो जो कलर्स आपके पास रिसीव होते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट या फिर विजिबल रीजन ऑफ लाइट. अब जैसे कि आपको पता है कि एक साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड वेव्स में आपका जो सा इंसानी कान होता है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी जो है उसको सुन सकता है. हम कहते हैं दिस इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो कि सुनी जा सकती है. सिमिलरली ये जो वाइट लाइट की रेंज होती है दैट इज़ विजिबल लाइट रेंज. विजिबल रेंज जो सी है वो वाइट लाइट होती है. इसके अलावा भी लाइट्स मौजूद हैं, रेडिएशंस मौजूद हैं, बट वो विजिबल इंसानी विजिबल रेंज में नहीं आती, इस वजह से हम उनको देख नहीं सकते. तो वाइट लाइट जो है वो विजिबल रेंज में जो है वो आती है. अब वाइट लाइट को जब आप स्प्रेड करते हैं तो वो जो है इसका जो स्पेक्ट्रम आता है दैट गिव्स अस 7 कलर्स. वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? वही वो 7 कलर्स हैं जो कि आप अपने रेनबो में देखते हैं. आपकी रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं विच आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो दीज आर द 7 कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट. इसको याद रखने का तरीका है कि आप इनके पहले पहले लफ्ज़ याद कर लें, एंड विबग्योर एक वर्ड है जिसको आप जनरली याद कर लें तो आपको ये याद रहेंगे. बहरहाल दीज आर द 7 कलर्स ऑफ दी वाइट लाइट. अब इसके अलावा भी जो है रेंजेस वो आपके पास मौजूद होती हैं जो कि इससे, फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरीके से समझें, लेट मी शो यू. ये एक तस्वीर है. ओके, इस तस्वीर को अगर आप देखें तो जोन सी ये वाली पूरी की पूरी रेंज है ये हमें बता रही है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ्स. दीज आर द वेवलेंथ्स. और ये जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, इस तरफ जोन सी है वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है. अब बीच में जो है वेवलेंथ के अगर आप देखें तो 400 ये है एंड दिस इज 700. 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज जो सी है इसके दरमियान में जो हैं ये सारे के सारे कलर्स जो से हैं आपको नज़र आ रहे हैं. दीज आर द डिफरेंट कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द वाइट लाइट. अब ये वाइट लाइट की रेंज ये वाली है जिसको उसने यहाँ पे ये एक्सपेंड करके आपको दिखा दिया है. अब वाइट लाइट से पहले और वाइट लाइट के बाद भी जो हैं आपके पास डिफरेंट रेंजेस हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन उनका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में मौजूद है. वाइट लाइट की सबसे जो सी मिनिमम रेंज है ऑफ दी नैनोमीटर्स या जिसमें हम वेवलेंथ सबसे कम जो है वो वॉयलेट की है 400 एंड रेड की सबसे ज़्यादा होती है 750 के करीब. राइट, अब 750 इससे पहले पहले जो है दिस रीजन इज़ इंफ्रा रेड रीजन. टोटल होते हैं 7 रीजन्स. अब इससे पहले आ गए इंफ्रा रेड नंबर 1. अब इंफ्रा रेड कौन सा है? इंफ्रा रेड वो होता है
जो कि हमारे यहाँ रिमोट कंट्रोल्स में इस्तेमाल होता है। आप रिमोट कंट्रोल से किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल है, उसके ऊपर आप देखें एक छोटी सी एलईडी टाइप लगी होती है जिसमें से वेव्स निकलती हैं, और आपका रिसीवर लगा होता है आपके कंप्यूटर मोनिटर के अंदर या आपके टीवी की स्क्रीन में, टीवी में, और वो उसको कैच करता है और आपका जो भी कमांड आप देते हैं चैनल चेंज की या किसी भी चीज़ की वो परफॉर्म होती है। तो वो जो सी रेज निकल रही होती हैं उसमें से, वो आपको लाइट की शक्ल में नज़र नहीं आती हैं क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में होती हैं, हमारी आंख उन्हें देख नहीं सकती, वो विजिबल रीजन से बाहर होती हैं। तो ये इंफ्रारेड रीजन, इसी तरह ये माइक्रोवेव्स हैं नंबर टू, ये माइक्रोवेव रीजन जो सी हैं ये उससे भी इनका जो सा है ज़्यादा होता है। इस तरफ जो है वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। उसके बाद ये रेडार या रेडियो वेव जो सी हैं ये आती हैं, इनका वेवलेंथ जो सी है सबसे ज़्यादा होती है। अब विजिबल लाइट से हम आगे की तरफ जाएँ तो अल्ट्रा वायलेट रेज नंबर फोर, एक्स रेज फाइव, गैमा रेज सिक्स एंड कॉस्मिक रेज सेवन। तो विजिबल रीजन के अलावा जो उनसे हैं मेन सात रीजन और भी हैं लाइट के अंदर, किसी भी लाइट के स्पेक्ट्रम में। डिपेंड करता है कि उनकी वेवलेंथ क्या है। अगर वो इस एरिया में लाई कर रही है तो वो गैमा रेज होगी, इस एरिया में लाई कर रही है तो एक्स रेज, और इस एरिया में लाई कर रही है तो विजिबल रेज होंगी वो। तो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट के जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास रीजन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ द वेवलेंथ, के उनकी वेव की लेंथ कितनी है या कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो सी है वो कितनी है। तो अब स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हम करने की पोजीशन में आ गए हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अ विजुअल डिस्प्ले जब आप किसी भी चीज़ का विजुअल डिस्प्ले देख लें, विजुअल का मतलब है देखे जाने वाला डिस्प्ले, और द डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट के कंपोनेंट्स को जब आप डिस्पर्स करेंगे, उनके जिन जिन से कलर से वो मिलके बना है, कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट वेन पास्ड थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो आप जब भी वाइट लाइट को पास करेंगे स्पेक्ट्रम इज विज प्रिज्म में से, वो लाइट जो है डिस्पर्स हो जाएगी अपने कंपोनेंट्स में, और विजुअल जो चीज़ आपके सामने आएगी दैट इज़ द स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम की टाइप्स की तरफ जाते हैं। स्पेक्ट्रम की मेनली जो सी हैं टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड नंबर टू इज दी लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम बारी बारी इनकी डिटेल जो सी है वो देख लेते हैं। तो नंबर वन इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर क्या होता है कि बाउंड्री लाइन जो है, बाउंड्री लाइन को आप मार्क नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मार्क। बाउंड्री लाइन जो है दैट कैन नॉट बी मार्क्स, उनकी जो सी बाउंड्रीज हैं दे आर डिफ्यूज्ड इन टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुई होती हैं। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, दैट इज़ रेनबो। कभी आपने कोसे कज़ा या धनक जिसको हम कहते हैं, वो आपने बारिश के बाद जो आसमान में नज़र आती है उसको आपने देखा हो, तो उसके अंदर बेसिकली तो सेवन कलर्स होते हैं, लेकिन आप उन सेवन को काउंट नहीं कर सकते, आपको मेनली तीन चार नज़र ही आते हैं क्योंकि दो सेवन कलर्स आर डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर। आप किसी की बाउंड्री जो डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ तक रेड था और अब जो है आगे येलो शुरू हो गया है या ऑरेंज शुरू हो गया है और आगे येलो आएगा, तो ये चीज़ जो है इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये जो क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी होती है क्वालिटी, मतलब एक करेक्टरिस्टिक होता है मैटर का इन बल्क। जब मैटर एक
बल्क क्वांटिटी में मौजूद होगा, तो फिर जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा दैट वुड बी द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेट मी शो यू। ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, दिस इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसको अगर आप देखें तो दिस इज द हाई डेंसिटी हॉट मैटर जिसमें से लाइट जो है वो आपकी निकल रही थी। दिस इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज वर्किंग लाइक अ प्रिज्म हेयर, कि ये प्रिज्म के तौर पे काम करेगा और ये आने वाली लाइट को क्या कर रहा है, डिफ्रैक्ट कर रहा है। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इसमें आप देखें दिस इज रेड पार्ट एंड दिस इज वॉयलेट, ये दरमियान में ग्रीन है, ये ऑरेंज और ये ब्लू। यहाँ पे इंडिगो का रीजन आप क्लियर नहीं कर सकते, येलो भी आप पूरी तरह से जो है वो क्लियर नहीं कर सकते, यहाँ पे कहीं पे येलो होगा। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, आप इसको जो है वो अलहदा अलहदा जो है आपको पता नहीं लग रहा कि कौन सा कलर कहाँ तक है और आगे अब कलर नया शुरू हो गया है। यहाँ पे देखें तो ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और रेड आपस में मर्ज हुए हुए हैं। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की जो थी है एग्जांपल थी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है वो उनके अंदर बाउंड्री लाइंस जो सी हैं आपको नज़र नहीं आती। नंबर टू इज द लाइन स्पेक्ट्रम। पिछला स्पेक्ट्रम था कंटिन्यूस और हमने पढ़ा था कि वो करेक्टरिस्टिक होता है मैटर का जबकि वो बल्क क्वांटिटी में हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है एक एटम का, तो फिर हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम के अलावा एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी जो है वो कभी कभी इसको नाम दे देते हैं कि दिस इज़ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। अब होता क्या है कि आप करते क्या हैं, आप अपने सैंपल को जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए है जिसका आपने स्पेक्ट्रम देखना है, आप इसको क्या करेंगे, इसको वोलेटलाइज करेंगे फ्लेम के ऊपर, और इस फ्लेम में से जब ये फ्लेम को एब्जॉर्ब करेगा, हीट अप होगा, तो ये लाइट को एमिट करेगा। इस लाइट जो एमिट इसमें से होगी उसको जब आप स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट विल बी द लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस और लाइन में फ़र्क क्या है, उसमें हमने ये देखा था कि कंटिन्यूस में बाउंड्री लाइंस नहीं थी जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में बाउंड्री लाइंस जो सी हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। हर जो बाउंड्री लाइंस, हर जो है आपके पास स्पेक्ट्रम, जैसे ही जैसे कलर चेंज होगा वहाँ पर एक लाइन आपको बाउंड्री के तौर पर नज़र आएगी। तो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम, जिसकी वजह से इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम जो है वो भी देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि नंबर ऑफ लाइंस जो सी हैं हर एक के केस में डिफरेंट होंगी। नंबर ऑफ लाइंस जो सी हैं वो डिपेंड करेंगी ऑन द मेटल, ऑन द मैटर, ऑन द एलिमेंट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक होंगी उस एटम की, जिस एलिमेंट के एटम को जो है हम यूज़ कर रहे हैं। वो कहता है जी कि सोडियम का, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का स्पेक्ट्रम देखता हूँ तो सोडियम के स्पेक्ट्रम के अंदर कहता है मेरे पास टू येलो लाइंस आती हैं, जबकि अगर मैं स्पेक्ट्रम देखता हूँ हाइड्रोजन का तो उसके पास जो सी है एक लार्ज नंबर ऑफ लाइंस जो सी हैं, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस आपके पास आपको रिसीव होती हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि आपके जो उनसे एटॉमिक एटम की करेक्टरिस्टिक है, अगर एटम की करेक्टरिस्टिक ना हो तो लाइनों में डिफरेंस जो सा है वो ना आए। ये इसी वजह से उसने मेंशन किया कि इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब वो कहता है जी कि जब आप स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो ये भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपका जो सा है डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस जो सा है वो भी चेंज होता जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज नॉट सेम। जब आप स्पेक्ट्रम में लाइंस को देखते हैं तो ये चीज़ भी आपके सामने आती है कि उनके दरमियान डिस्टेंस जो सा है वो सेम नहीं होता।
और इसकी वजह वो बताता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ जो है डिक्रीज होती जाती है, आपके पास डिस्टेंस भी जो है वो लाइनों के दरमियान डिक्रीज होता जाता है। तो ये आपने डिस्टेंस का और वेवलेंथ का रिलेशन जो होता है वो याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन द लाइंस डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ। अब अगर आप कोई देखना चाहें इसका स्पेक्ट्रम, तो वो कुछ इस तरह का होता है। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का होगा। दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और यहाँ इस डायरेक्शन में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे देखें वेवलेंथ कम है तो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी कम है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे लाइंस जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होती जाएंगी। एंड द नंबर ऑफ लाइंस आर देयर इन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो ही हमें आगे हेल्प करता है कितनी सारी चीज़ों के बारे में, डिटेल एटम के बारे में बताने के लिए। हम स्पेक्ट्रम को क्यों स्टडी कर रहे हैं कि यही स्पेक्ट्रम के अंदर मिलने वाली लाइनें और इनसे मिलने वाली वेवलेंथ्स और ये सारी चीज़ें हमारे आगे इस्तेमाल में आती हैं जब हम इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को एटम के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसलिए जो है लाइन स्पेक्ट्रम का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अब लाइन स्पेक्ट्रम की आगे दो टाइप्स हैं। लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जिसके अंदर नंबर वन इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड नंबर टू इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नंबर वन एमिशन है, इसके अंदर क्या होता है? नाम से जैसे कि जाहिर है कि आपकी जोन सी जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसके सॉलिड्स, अगर सॉलिड है फॉर एग्जांपल, उसको आप वोलेटलाइज करेंगे, गैस फॉर्म में आएगा वो। अब जब वो गैस फॉर्म में कैसे आएगा? वो गैस फॉर्म में इस तरीके से आएगा कि उसको हम हीट दें या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दें, या तो हम उसे बिजली से हीट करें या डायरेक्ट टेम्परेचर दें, तो आपका सॉलिड जो है वो वोलेटलाइज होगा। अब जब वो चीज़ वोलेटलाइज होगी तो उसमें से एमिशन होगी डिफरेंट रेडिएशंस की। उस रेडिएशंस को जब मैं स्पेक्ट्रोमीटर में स्टडी करूँगा तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट विल बी द एमिशन स्पेक्ट्रम। सिंपल नाम से पता लग रहा है, ये आपको आसान है याद रहने के लिए कि आप किसी भी सॉलिड को जिसका आपने स्पेक्ट्रम देखना है उसको जब आप हीट अप करेंगे तो वो हीट को जब लेगा तो उसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी। एमिट होंगी जो रेडिएशंस, उनको जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगा दैट वुड बी द एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम की डायग्राम, लेट मी शो यू दिस। दिस इज़ द एमिशन डायग्राम एमिशन स्पेक्ट्रम की। ये देखें जी, दिस इज़ द हॉट गैस। हॉट गैस का क्या मतलब है कि आपने उसको यहाँ से क्या दिया है, टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उसमें से जौन सी हैं, यहाँ ये जौन सी एरो है, दिस शोज़ कि इसमें से एमिशन जौन सी हैं वो निकल रही हैं। ये एमिशन जाएंगी इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? प्रिज्म के तौर पे काम करती है, आने वाली लाइट को ये डिस्पर्स कर देगी, तो आपके पास ये एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो मिल जाएगा। अब आप अगर इस एमिशन स्पेक्ट्रम को देखें तो इसके अंदर जो सी लाइंस आपको अवेलेबल हुई हैं, दिस 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 टू एंड दिस, दीज आर कलर्ड लाइंस। और अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड इज डार्क। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव कलर्ड लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो ये आपकी जो सी स्पेक्ट्रम है ये आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है इसके अंदर आपको कलर्ड लाइंस मिलती हैं अगेंस्ट डार्क
बैकग्राउंड, जबकि इसका ओपोजिट होगा आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो नंबर टू है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमने उसे हीट अप किया और उसमें से एमिशंस जो सी हैं वो निकल रही थी। अब क्या होता है, अब ये होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल ए है, इस सैंपल ए के ऊपर मैंने जो सी है वो वाइट लाइट को पास करवाया। ए जो है ये बेसिकली है गैसियस फॉर्म ऑफ आवर सैंपल। इस गैसियस फॉर्म के ऊपर जब मैंने अपनी वाइट लाइट को पास करवाया तो ये क्या करेगा, ये कुछ रेडिएशंस को, सम रेडिएशंस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम। जाहिर सी बात है जो भी ये जो कलर की डेफिनेशन है, हमें जो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं उसकी डेफिनेशन यही होती है कि आपकी उस बॉडी के ऊपर वाइट लाइट पड़ती है आके, वो वाइट लाइट में से कुछ रेडिएशंस को जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो जो बाकी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब नहीं करती वो ही उसका कलर बन जाता है जो कि हमें नज़र आता है, और जो वो एब्जॉर्ब कर रही होती है वो उसका कलर हमें नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ए सैंपल के ऊपर वाइट लाइट पड़ेगी तो वो कुछ रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ रेडिएशन जो सी हैं इसमें से पास आउट हो जाएंगी जिनको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब ये जो सी एरो मैंने शो किया है, दिस इज, इसके अंदर क्या है, ओनली सम ऑफ द रेडिएशंस, क्योंकि कुछ जोन सी हैं इसमें से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी। ये जो कुछ इसमें से बाहर निकल आई हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई, उनको जब मैं स्पेक्ट्रोमीटर में स्टडी करूँगा तो फिर मेरे पास जो चीज़ सामने आएगी, जो स्पेक्ट्रम मेरे पास आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसको दोबारा से देख लें, वाइट लाइट जब आपने एक सैंपल के ऊपर बम्बार्ड की या डाली तो क्या हुआ कि सम ऑफ़ द रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड, सम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सैंपल, और कुछ जोन सी हैं वो निकल जाएंगी। जो निकल जाएंगी उनको आपने स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करना है तो आपके पास जोन सा है एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जोन सा है वो आएगा। इसकी जो डायग्राम है वो ये है, इसको अगर आप देखें, यहाँ पे ये कोल्ड गैस थी क्योंकि आपने इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपके पास वाइट लाइट का सोर्स है, एक बल्ब है, ये लाइट इसमें से आएगी, कुछ इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ जो सी हैं अनएब्जॉर्ब्ड होंगी। वो जो अनएब्जॉर्ब्ड आगे गई, इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से गुजरी और डिस्पर्स हो गई। इनको जब आपने स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो आपके पास ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आया। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो सी लाइंस हैं, दीज आर द लाइंस विच आर डार्क, जबकि बैकग्राउंड इज कलर्ड। तो ये ओपोजिट है एमिशन स्पेक्ट्रम के। एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस थी और डार्क बैकग्राउंड था, जबकि इसके अंदर क्या होगा, डार्क लाइंस होंगी अगेंस्ट द कलर्ड बैकग्राउंड जो कि ब्राइट आपको नज़र आएगा। अब वो ये कहता है कि अगर आप एक ही एटम का, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, अगर हाइड्रोजन एटम का मैं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखूँ इन दोनों का, तो आपको ये पता लगेगा कि जो लाइंस हैं दोनों के केस में, लाइंस आर सेम। लाइंस का जो डिस्टेंस है या जो स्पेक्ट्रम है वो तो सेम ही रहेगा, बस जो फ़र्क होगा वो ये होगा कि एमिशन के केस में कलरफुल लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड और एब्जॉर्प्शन के केस में डार्क लाइंस अगेंस्ट कलर्ड बैकग्राउंड होगा, लेकिन लाइंस की डिस्टेंस जो सा है आपस में वो सेम होगा। तो ये जो है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है।
अब हम इसी टॉपिक का अगला पोर्शन अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। ये सारा काम हमने इसीलिए समझा है कि हम जो अगला टॉपिक है वो हमारी समझ में आ सके, जिसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है वो स्टडी करना है, और उसकी लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी, उनको स्टडी करते हुए हम डिफरेंट चीज़, वेव वेव नंबर, वेव लेंथ, और इस तरह की क्वांटिटीज़ जो सी हैं वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम की डिटेल जो है वो समझी है।